कर्ण पिशाचनी एक ऐसी शक्ति होती है जिसे बहुत सारे लोग एक भूत या चुड़ैल का प्रकार कहते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब बकवास है। कर्ण पिशाचनी एक प्रकार की देवी होती है जो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो दुनिया की सारी जो ताकतें होती है आपके कदमों के सामने झुक जाती है। आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जिसकी कल्पना भी कोई साधारण इंसान कर नहीं सकता। कर्ण पिशाचनी का नाम कर्ण यानी कि कान और पिशाचिनी यानी कि एक अलग शक्ति, एक पैरानॉर्मल एंटिटी से मिलकर बना हुआ है। कर्ण पिशाचनी वो कान में आकर आपके तरह तरह की चीजें कहती है, बड़े बड़े रहस्य, बड़े बड़े राज, ऐसी ऐसी खबरें जिसे कोई कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता, वो आपको एक पल में पता चलती है, घटने से भी पहले कई बार। कर्ण पिशाचनी प्रसन्न हो जाए तो ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन रुष्ट हो जाए तो आपकी ऐसी दुर्गति होगी ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और कर्ण पिशाचनी रुष्ट केवल इसलिए होती है कि आपने उसकी साधना ठीक तरीके से नहीं की। कर्ण पिशाचनी को साधने के तरीके भी आसान नहीं होते हैं, साधारण नहीं होते हैं, बहुत डिफरेंट, कई बार बहुत डरावने, तो बहुत घोर होते हैं। कर्ण पिशाचनी दिखने में कई बार बहुत खूबसूरत होती है, मतलब जिसके ऊपर वो प्रसन्न हुई है उसे तो एक स्वर्ग की अप्सरा के जैसी दिखाई देगी, ऐसी कि कई अप्सराओं की खूबसूरती भी एक साथ मिला दी जाए तो कर्ण पिशाचनी के सामने फीकी पड़ जाए। जिनके ऊपर ये रुष्ट हो जाती है उनको तो इतनी डरावनी दिखाई देगी कि बड़े से बड़े जिगरे वाला इंसान भी उसे देखकर थक से रह जाए। ये होती है कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी के कई किस्से इस दुनिया में प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें से 99.9% किस्से ऐसे हैं जिसमें कर्ण पिशाचनी के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्योंकि कर्ण पिशाचनी जिनके ऊपर प्रसन्न हुई है वो तो आज एक अलग लेवल पर बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया उनको ऐसे देख रही है, तो वो अपने राज सबको थोड़ी बताएंगे। अरे पूरे दुनिया के राज कर्ण पिशाचनी उनको उनके कान में बता रही होती है। तो वहीं पर कर्ण पिशाचनी जिनके ऊपर रुष्ट हुई है, क्रोधित हुई है, उनका अंजाम तो देखने लायक भी नहीं होता है, सुनने लायक भी नहीं होता है। आज एक ऐसी अंजाम की, एक ऐसी ही घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। ये कहानी है, ये सच्ची घटना की कहानी है, रौनक और विवेक नाम के दो दोस्तों के। दोनों बड़े, बहुत बड़े जिगरे वाले लड़के थे, 21-22 साल के आसपास की उम्र रही होगी, घूमने फिरने के बड़े शौकीन, किसी भी प्रकार से भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, किसी भी पैरानॉर्मल एंटिटी के ऊपर, किसी भी पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर, भगवान पर, देवी देवताओं पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे। आसान शब्दों में कहें तो ये नास्तिक थे। बात ये है कि भाई ये लोग नेपाल के एक छोटे से गांव में रहा करते थे उस समय। आज से थोड़े पहले की बात है, कब की बात है मैं आपको आगे बताऊंगा, वरना बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार, तो आज से थोड़े पहले की बात है। उस समय नेपाल के कुछ गाँव में, नेपाल क्या इंडिया के काफी सारे गाँव में भी एक खबर फैली हुई थी। अब वो असली खबर थी या फिर एक, वो कहते हैं ना, वहम फैला हुआ था, नहीं मालूम, लेकिन एक बात फैली हुई थी कि एक ऐसी रात होती है जिस रात को जितनी भी ताकतें होती है, जितनी भी पैरानॉर्मल ताकतें होती है, ऐसी ताकतें जो कि हमारी दुनिया से बिलोंग नहीं करती, एक अलग दुनिया में जीती है। पॉजिटिव एनर्जीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव एनर्जीज की बात कर रहा हूँ। वो ताकतें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, अपने डोमिनेंस वाले स्वभाव में होती है, और वो पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए आती है। और जो कोई भी इंसान ऐसी ताकतों के नज़र में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई चुड़ैल घूमने के लिए आई है और आप उसके नज़र में आ गए, तो उसका शिकार आप बनोगे। तो पिशाचनी, पिशाच, इन्हें लोग पहले के टाइम पे बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। आज के ज़माने के लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर लिए हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं अपने पूर्वजों से, सबसे बड़ी बात अपने जो बड़ी पीढ़ी के लोग हैं उनसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, तो समझते हैं कि हर पिशाच, हर पिशाचनिया, हर बेताल, हर ब्रह्म राक्षस बुरे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो पहले के लोग कर्ण पिशाचनी सुन लिए तो बाप रे,
कर्ण पिशाचनी है। कान में कुछ ऐसा कहेगी जिसकी वजह से दिमाग पगला जाएगा और फिर इंसान का पूरा शरीर सड़ने लगेगा और इंसान सड़ सड़ के मर जाएगा। ये बात फैली हुई थी, इसीलिए एक रात ऐसी होती थी, उस रात को कोई भी इंसान अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। बड़े शहरों के लोग तो दुनिया में किसी के लिए नहीं रुकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई, मुंबई में 26 जुलाई को बड़ी बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, आप लोगों को मालूम है हाँ, ऐसे काफी साल पहले। लेकिन मुंबई रुका था क्या? नहीं, कुछ घंटों बाद फिर से घर से बाहर निकल गए, क्योंकि लोगों के पास किसी के लिए रुकने के लिए समय ही नहीं है। लेकिन गांव के लोग बड़े साधारण जीवन बिताते हैं, बहुत सादगी से जीते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। इसलिए गांव के लोग में फॉर एग्जाम्पल इस परिवार को कुछ बोल दिया गया तो उस परिवार का साथ पूरे गांव के लोग देंगे और पूरे गांव के लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो कोई घटना किसी के साथ उस रात को कभी घट गई रही होगी, समझ रहे ना, जो रात बदनाम थी उस रात को कभी पहले किसी जमाने में किसी के साथ कोई घटना घट गई होगी। तो पूरे गांव के लोग मानने लगे कि हाँ, भूत प्रेत पिशाचनियां पिशाच उस रात को भटकते हैं और लोगों को हार्म करते, तो इसी वजह से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। अब चलो ये कह सकते हैं कि एक दो नहीं बल्कि 12-15 कांड हुए होंगे तभी लोगों ने मानना शुरू किए। एक गांव के लोग माने, फिर बाजू वाले गांव ने भी कुछ ऐसा कोइंसिडेंस देख लिया या कुछ घटना हो गई, उन लोगों ने माने और ये बात फैलते 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 पूरी दुनिया में फैल गई। जैसे कि एक हैलोवीन की रात होती है 31 अक्टूबर की, लगभग पूरी दुनिया के लोग मानते हैं कि उस रात को शैतानी ताकतें एक्टिव हो जाती है। कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं तो कुछ लोग डर के घर पर बैठते हैं। तो वैसे ही वो एक रात होगी, कोई भी एक रात पकड़ लो यार, मैं तारीख नहीं बोलूंगा, महीना नहीं बोलूंगा, आप कोई भी एक रात पकड़ लो। उस रात को लोग कहते थे कि पिशाचनियां पृथ्वी में आती है और लोगों का खून चूस लेती है, उनके कानों में आके कुछ कहती है और उनका पूरा शरीर सड़ा कर उनको ख़त्म कर देती है। ऐसे ही उस रात को भी सब लोग अपने घर पर बैठे हुए थे, आज से कुछ साल पहले वाली रात। विवेक और रौनक आज एक साथ थे। दरअसल कुछ दिनों बाद विवेक के घर पे शादी होने वाली थी और रौनक वो शादी की तैयारी कराने के लिए विवेक के घर पर आया हुआ था। ये शादी विवेक की बहन की होने वाली थी, तो रौनक भी रुक गया क्योंकि आज की रात वो अपने घर लौट नहीं सकता था। रौनक का घर विवेक के घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था, एक दूसरे गांव पे, बाजू वाले गांव पे। तो कोई भी रिस्क नहीं लेने देना चाहता था क्योंकि रौनक तो मदद करने के लिए इनके घर पर आया हुआ है। अब अपना काम निकल गया तो ऐसी रात को क्या रौनक को जाने के लिए बोलेंगे विवेक के घर वाले या विवेक? नहीं बोलेंगे ना। तो विवेक ने बोला, रौनक नहीं, आज की रात वो काली रात है जिस रात को तुझे पता है ना कैसी कैसी शक्तियां इस दुनिया में भटकती है, और ऐसी शक्तियों की तो पहली नजर हमारे गांव पर पड़ती है। हमारे गांव में कितने सारी घटनाएं ऐसी चुड़ैलों की वजह से, ऐसी पिशाचनियों की वजह से हो चुकी है। तू आज नहीं जाएगा, सुबह जाना, कल जाना। रौनक ने भी बोला, हाँ भाई नहीं जाऊँगा, ठीक है आज यहीं रुक जाता हूँ। रुक गए दोनों, बात कर रहे हैं पूरी रात, घर के सारे लोग सो गए, पूरी रात बात कर रहे हैं। और जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में 12 बजे को सही में आधी रात का वक्त कहा जाता था। आज के टाइम पे तो 12 बजे मतलब रात, आधी रात नहीं होती। तो 12 बज चुके थे, आधी रात हो रही थी, सारे लोग सो रहे हैं, लेकिन विवेक और रौनक को नींद नहीं आ रही है क्योंकि बहन की शादी है भाई, विवेक की बहन मतलब रौनक की बहन हो गई ना। बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, रैंडमली विवेक क्या कहता है कि रौनक यार भाई यार नींद नहीं आ रही, दिमाग खराब हो रहा है, थोड़ा टहल के आते हैं। रौनक बोलता है, पगला वगला गया है क्या हा? थोड़ी देर पहले तूने ही बोला था ना कि भाई आज की रात बड़ी काली रात है, भूत प्रेत पिशाच हमारी पृथ्वी में घूमने के लिए आते हैं और हमारे गाँव के ऊपर सबसे पहली नज़र डालते, पिशाचनी आके कान में कुछ कुछ बड़बड़ाती है, और अब तू ही कह रहा है कि घूमने के लिए चल आज रात को बाहर, सरक गया है क्या? ये बोलता है, नहीं सरका वरका नहीं हो, तुझे तो पता है ना मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। रौनक कहता है कि विश्वास तो मैं भी नहीं करता हूँ, तुझे भी पता है, लेकिन अब तुम लोग इतनी इंटेंसिटी के साथ कह रहे थे तो साला इंसान है यार, डर लग जाता है, डर लग गए, थोड़ा सहम गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास करने लगे। चल घूम के आते हैं। दोनों ने एक दूसरे का माइंड वॉश कर दिए और चले गए कहीं टहलने के लिए बाहर। टहलते 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 अपने गांव से एक दूसरे रास्ते की तरफ,
इसके घर के तरफ नहीं, मतलब रौनक के घर के तरफ नहीं, रौनक के गांव की तरफ नहीं, एक दूसरे गांव की तरफ निकल पड़े। बातें चल रही है गहरी गहरी लंबी लंबी। जब लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे आ गए तो अचानक से रौनक की नजर एक पुराने मंदिर की तरफ पड़ती है। यह पुराना मंदिर कई सालों से वहां पर मौजूद था, जहां पे कोई पूजा करने नहीं आता था। सबसे बड़ा कारण यह था कि उस पुराने मंदिर में किसी भी देवी या देवता की मूर्ति थी ही नहीं, और कई पीढ़ियों ने नहीं देखी थी, ना ही रौनक की पीढ़ी ने, ना ही रौनक की मम्मी पापा की, ना ही दादा दादी ने, और ना ही परदादा दादी ने, शायद उनसे पहले की किसी पीढ़ी ने उस मंदिर में देवी देवताओं को देखा भी होगा और पूजा भी होगा। और ना जाने आज से चार पीढ़ी पहले क्या कुछ घटा होगा उस मंदिर में कि वहां से पूजा पाठ पूरी तरीके से बंद हो गई और देवी देवताओं की मूर्ति गायब हो गई। गांव के लोग कहते थे कि उस मंदिर में एक श्राप लगा हुआ है, श्राप एक ऐसी शक्ति का जो कि भगवान की शक्ति से भी नहीं डरती है। तो गांव के लोग समझते नहीं थे और बहुत डरते थे कि भगवान, मतलब जो शक्ति भगवान से नहीं डरी उससे हम क्या उलझ लेंगे। कोई भी उस मंदिर की तरफ नहीं जाता था, और ये दोनों नास्तिक आज की रात इनको ऐसी मिल गई है। टहलते टहलते घर से इतनी दूर आ चुके हैं और इस मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। प्लान बनाते हैं कि चलो इस मंदिर के अंदर चलते हैं, कभी नहीं गए हैं लाइफ में, लोगों की बातें सुन सुन के, ताने सुन सुन के आज एक्सपीरियंस कर लेते हैं। कई रात ऐसी होती है ना कि आपके अंदर का एक शेर जाग जाता है, होता है, रात भी होते हैं दिन भी होते हैं। जैसे आज मेरे अंदर जागा हुआ है, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मेरे वीडियो बनाने के तरीके को आप देखकर समझ रहे होंगे, वैसे ही एनर्जी इनके अंदर भी थी। चले गए ये लोग, अंदर गए तो एक अलग सा सन्नाटा, सन्नाटा तो पूरे गांव में भी फैला हुआ था, लेकिन ऐसा घोर सन्नाटा नहीं, गांव था यार, रात के 12-12:30 बज रहे थे, गांव का जानवर जानवर तक सो रहा था, शांति थी बाहर, लेकिन मंदिर में अंदर आने के बाद, इस पुराने मंदिर में अंदर एंटर करने के बाद तो ऐसी एक शांति छाई जो कि कान को फाड़ के रख देगी। बहुत हैवी एनर्जी थी वहां की, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था, लेकिन लग रहा था। बाहर का वातावरण जैसा भी था, अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। खैर ये लोग चले गए भाई, वहां पर जाने के बाद ये मंदिर की गर्भगृह में पहुंचे। हमेशा से जो लोग कहते थे कि मंदिर के गर्भगृह में किसी भी देवी या देवता की मूर्ति नहीं थी, आज इनको ये बात गलत साबित होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि गर्भगृह में एक मूर्ति थी, मिट्टी की मूर्ति, लेकिन ये किसी भी देवी या देवता के समान नहीं दिखाई दे रही थी। सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हमको पता है, हमको पता है कि उनकी आकृति किस प्रकार की बनाई जा रही है कई सालों से, वैसी कोई मूर्ति नहीं थी। आपने तुम्बाड़ फिल्म देखे हैं? तुम्बाड़ देखे ही होंगे, बहुत प्रसिद्ध फिल्म है बॉलीवुड की, नहीं देखे हैं तो देखिए, आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, बहुत बड़ा सिनेमा मिस कर रहे हैं तुम्बाड़ को छोड़कर। तो तुम्बाड़ में हस्तर जो है, समझ रहे हैं, हस्तर को कैसा दिखाया गया है, वो सेम मूर्ति वैसी थी। हस्तर बस ऐसा पकड़ के, एक सिक्का पकड़ के खड़ा हुआ है ना, वो सिक्का नहीं पकड़ा हुआ था, उसने ऐसा हाथ फैला कर रखा था ऐसा, और वैसे ही मोटू सा, बाल नहीं है, ऐसे गोल सा चेहरा, पेट भी ऐसा निकला हुआ, अलग सा ऐसा हाथ फैला कर। उस मूर्ति के मतलब कुछ भी रंग रूप नहीं बनाया हुआ था, एक ऐसी आकृति ही थी, और उसकी आंखों से कुछ आंसू बह रहे थे, ये लाल रंग के थे, खून जैसे। देखकर तो पहली नजर में ऐसा लगे कि रंग है, आप कहीं पर भी कुछ ऐसा देख लें, लाल रंग गिरा हुआ देख लें, आप सोचेंगे ना लाल रंग ही है, ऐसा थोड़ी बोल देंगे खून है। बहुत रेयर लोग होते हैं जो लाल रंग को देखकर बोल देते हैं खून, नहीं तो नॉर्मली लोग खून भी देखेंगे तो बोलेंगे रंग गिरा होगा। तो इनको भी उसको देखकर ऐसे ही लगा कि रंग है, लेकिन वो रंग या फिर खून कहें, लगातार उसकी आंखों से निकल रहा था। ये दोनों के हाथ में एक एक लालटेन था, लालटेन से ये लोग उस नजारे को क्लियर देख पा रहे थे। तो अपने विवेक ने रौनक से कहा कि रौनक रुक, मैं देखता हूं भला वो है क्या, लगातार एक मूर्ति से ऐसा लाल लाल रंग कैसे निकल सकता है उसकी आंखों से, वो भी कहीं और से नहीं, और सिर्फ इतनी बड़ी मूर्ति है, सिर्फ इतनी बड़ी, ये क्या हो रहा है।
उस मूर्ति के नीचे ढेर सारा मतलब गंदगी हो गई है ना, बहुत पुराना मंदिर है, बताया ना आप समझे ना कितने साल पहले का, तो गंदगी है या फिर मिट्टी रखी हुई है, वो समझ लो लाल रंग निकल रहा है और वो मिट्टी में ही मिट्टी सूखती जा रही है उसको, वो कहीं जा नहीं रहा है, वहीं पे मिट्टी में समा जा रहा है। लेकिन बोले निकल रहा है, मैं देखता हूँ। ये तुरंत गया और ऐसा उसके मूर्ति के ऐसे आँख से पूछा और सूंघ के देखा। अब देखो आप मानो या ना मानो, खून की एक अलग खुशबू होती है, बहुत सारे लोग इस खुशबू को समझ जाते हैं, मैं लिटरली बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि खून की कोई खुशबू नहीं है, वो स्मेल लेस ऑर्डर लेस होता है। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें खुशबू होती है, खुशबू कहो बदबू कहो कुछ भी कहो, एक स्मेल होती है, वो स्मेल से विवेक समझ गया कि ये खून है। विवेक तुरंत रौनक से कहता है, अबे रौनक ये खून है, कोई रंग वंग नहीं है, लगातार कैसे इस मूर्ति से निकल रहा है, ये कोई देवता नहीं, ये तो एक राक्षस की मूर्ति है। रौनक बोलता है, क्या राक्षस वाक्षस, लात मार के तोड़ दे उसकी मुंडी, इतना सा तो है, तोड़ दे उसको, वही डर फैला कर रखा है पूरे गांव में, पूरे गांव में सदियों से खौफ फैला कर रखा हुआ है, चार पीढ़ियां हो गई है इस मंदिर से डरते हुए आ रही है, एक अच्छा खासा मंदिर रहा होगा, इस बदनाम सी मूर्ति की वजह से खंडर बन गया है, तोड़ दे। उसने भी गुस्से में लालटेन रखा साइड में, पूरी ताकत से अपना पैर उठाया, खट से मूर्ति में मारा है, लिटरली उस मिट्टी की मूर्ति को कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसके पैर में बहुत जोर की चोट लगी, ऐसी चोट लगी कि साला बहुत गुस्से में बहुत ताकत से मारा था, मैंने बोला ना ये शेरदिल टाइप के थे, बहुत ताकत से मारा था उसका पैर में, ऐसा आप समझ लो एक लोहे को, ये लोहे का वो रखा हुआ एक बॉल जमीन से अटैच्ड है, और पूरी ताकत से मारा, फट से लगेगी, अंदर की हड्डियां हिल जाएगी भाई, इसके साथ भी वैसी, और ये पकड़ के वापस सन्न से बैठ गया, शिट। रौनक भी घबरा कर, अरे विवेक तू ठीक तो है ना यार, ऐसे उसके पास बढ़ाई है कि पीछे से किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी, जोरों की हंसने की आवाज, ये एक औरत की थी, बड़ी हिम्मत जुटाते हुए लालटेन के साथ दोनों पीछे पलट कर देखे तो क्या पाए, एक औरत सफेद रंग की साड़ी में, बड़ी खूबसूरत सी, इन्हें देखकर जोर जोर से हंस रही है, इसका चेहरा जितना ज्यादा खूबसूरत था, नीचे नजरें गई तो इनके दिमाग की बत्ती उड़ गई, उसके शरीर का निचला हिस्सा उतना ही ज्यादा खौफनाक, घुटने के नीचे तक उसने घुटने तक साड़ी दिखाई दे रही थी उसकी, बड़ी विचित्र तरीके से साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन जो पैर वाला हिस्सा था वो किसी मतलब एक अलग ही जानवर की तरह दिखाई दे रहा था, जो कि जला हुआ था, ऐसा पैर के नाखून ऐसे निकले हुए थे जैसे ना जाने इतने लंबे लंबे कितने दिनों से सड़े होंगे, उसमें पानी नहीं पड़ा होगा। लोगों ने जैसे रियलाइज किए उसके हाथ की तरफ तो डर के मारे और सहम पड़े, क्योंकि वो जो ठहाके मार मार के ऐसा हंस रही थी, उससे नजरें पड़ी उसके हाथ की तरफ, उसके हाथ के नाखून भी बहुत विचित्र तरीके से खराब, और जैसे कि हम वीराना जैसी फिल्मों में देखे हुए हैं, लिटरली जैसे चुड़ैल भूतों की दिखाई देते हैं वैसे। हंसते हंसते रुकी और कहती है कि गलती कर दी तुमने यहां पर आकर, जो कोई भी इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो कभी बचेगा नहीं, पहुंचाना हो पहुंचा भी दे, लेकिन तुम जैसे लोग इस जगह पर आए कैसे। जैसे उसने आए कैसे ये बोली है ना, उसकी आवाज पूरे मंदिर, इस पुराने मंदिर में गूंज पड़ी, उस गूंजने की आवाज शायद विवेक के दिमाग में एक अजीब तरीके से एंटर करी, विवेक सुन्न सा हो गया, एक वशीकरण में चले गया, और उस औरत की तरफ से नजर हटाकर उस मूर्ति की तरफ देखने लगा, देखता देखता भी जमीन में बैठा हुआ था खड़ा हो गया, अभी तक उसके पैर में असहनीय दर्द हो रहा था लेकिन अब नॉर्मल खड़ा है, और बिल्कुल उसी की तरह पुतला बन के हाथ ऊपर कर दिया और देखा जा रहा है, घबरा के ये बोल रहा है, भाई चल जल्दी चल, रौनक बार बार बोल रहा है जल्दी चल, क्या हो गया तुझे, ऐसा क्यों कर रहा है, निकल यहां से, कि अचानक से एक बूंद खून का आंसू विवेक की आंखों से भी गिरता हुआ रौनक को दिखाई दिया, और यहां पर रौनक समझा शिट गया विवेक, और अगर मैं भी यहां पर रुका तो सारी नास्तिकता निकल जाएगी, भागना पड़ेगा। रौनक वहां से भागा, गंदी तरीके से भागा, और घर पर जाकर विवेक के सारा कांड बता दिया। जब सारे के सारे लोग
पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर इस पुराने मंदिर के पास हिम्मत जुटाकर पहुंचे तो क्या पाए। उधड़ी हुई हालत में, पूरे शरीर की उधड़ी हुई हालत में विवेक उस मंदिर से लगभग 20 मीटर बाहर की तरफ पड़ा हुआ है। उसका हुलिया, उसका शरीर कुछ इस प्रकार का दिख रहा था जैसे कि कोई बड़ा खतरनाक जंगली जानवर उसके शरीर को उधेड़ उधेड़ कर चबा चबा कर खाकर चला गया है। कभी नहीं मिल पाया वो जानवर। कैसे मिलता, क्योंकि वो कोई जानवर था ही नहीं, वो थी एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पिशाचनी, या उस गांव वालों के भाषा में कहो एक ऐसी कर्ण पिशाचनी जो कि विवेक से रुष्ट हुई थी। और रुष्ट हुई कर्ण पिशाचनी ऐसी दुर्गति करके रख देगी कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। आज 70 साल हो गए हैं उस घटना को। कितने? 70 साल। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि वो कर्ण पिशाचनी नहीं थी। सभी लोग ये कहते हैं कि नहीं, उसी की वजह से हुआ है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि परविंदर ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। अब परविंदर कौन? इस गांव से कहीं से रिलेट करता है, इस गांव का रहने वाला नहीं है, इंडिया का ही रहने वाला है। इसका कोई दोस्त या कोई रिलेटिव वहां पर रहता है, उस गांव में ये कहानी प्रसिद्ध है। तो परविंदर ने लिख के भेजा, बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, दिमाग खराब हो जाएगा सुन के। लोगों का एक प्रस्पेक्टिव जो होता है ना सोचने का, वो बदल जाएगा। मैंने बोला हाँ भाई, ये कंट्रोवर्शियल बात तो है, क्योंकि कर्ण पिशाचनी भूत तो नहीं होती है, कतई नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में कर्ण पिशाचनी को भूतों से भी ज़्यादा पावरफुल एंटिटी मानते हैं। लोगों की अपनी अपनी सोच, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। आपको क्या लगता है कर्ण पिशाचनी के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और ऐसी कोई कहानी है तो लिख भेजना इंस्टाग्राम में, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।